आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से 10 क्लास का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तीसरा आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले साइंस का एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। साइंस का चलिए कमेंट आ रहा था कि साइंस भी जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए ये नया सेशन का साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। साइंस में कुछ दिन इसीलिए लगाए क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिजिटल टाइप का पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बोर्ड में अगर पढ़ाते व्हाइट बोर्ड में तो थोड़ा जैसे ये सब डिफिनेशन सब लिखने में दिक्कत होता है, एक चैप्टर 2-3-4 वीडियो बनाना पड़ जाता। अब इसमें क्या है, थोड़ा डिजिटल टाइप में पहले कंटेंट को हम इकट्ठा किए और दोनों भाषा में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देखिए एक तरफ दिख रहा होगा हिंदी, एक तरफ इंग्लिश दिख रहा होगा, तो सेम चीज़ एकदम दोनों भाषा में, हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी। तो आप चाहे CBSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड जहाँ पे NCERT पढ़ते हो आप, यानी NCERT साइंस का हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे साइंस को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इंग्लिश में बात करें तो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना है। अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन और इक्वेशन उसका, तो ये होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले इसको। तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे इससे पिछला क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरह का परिवर्तन पढ़े होंगे, दो तरह का, एक भौतिक परिवर्तन पढ़े होंगे, भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो यहीं से समझने के प्रयास करते हैं ये क्या है। भौतिक परिवर्तन में देखे थे कि ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है, यानी बदलाव हुआ लेकिन कुछ देर के लिए हुआ, फिर से हम चाहे तो पहले जैसा था वैसा कर सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बना, पानी से अगर बर्फ बना तो बर्फ को फिर चाहेंगे तो हम पानी बना सकते हैं, ठीक है। पानी वाष्प बन के उड़ गया, भाप बन के उड़ गया, भाप बन के ऊपर गया, जलवाष्प गैस मतलब बन गया, तो गैस को फिर से हम ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन पढ़े हैं। और एक रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेज। ये केमिकल चेंजेज या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपना मूल स्थिति में नहीं आ सकता है। जैसे भोजन पच गया, भोजन करते हैं, भात खाते हैं, वो पच गया तो फिर से वो भात थोड़ी बनेगा है? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है तो फिर से वो ऑक्सीजन नहीं बन सकता है। लोहे में जंग लग जाता है, तो ये सब परिवर्तन जो वापस नहीं आ सकता है, दूध से दही बनना, ये सब क्या रासायनिक परिवर्तन में पढ़े थे, यानी जो वापस नहीं आ सकता। तो वही रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज को अब थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या था कि दो या दो से अधिक चीज़ मिला और कोई नया चीज़ बन गया तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, है। तो वही चीज़ को यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में पढ़ेंगे। और वही रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सूत्र और संकेत के माध्यम से लिखेंगे तो उसी को समीकरण कहेंगे या इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्या है। तो ऐसा परिवर्तन, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया अगर आए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, है? ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव, ऐसा चेंजेस जिसमें नए गुण वाले कोई पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नया सबस्टांस भी बन रहा है और न्यू प्रॉपर्टीज यानी उसका प्रॉपर्टी भी नया हो रहा है, फॉर्म्ड फ्रॉम वन वो और मोर सबस्टांसेस, यानी एक या एक से अधिक सबस्टांस को मिला दे, पदार्थ को मिला दे तो एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन रहा है जिसका प्रॉपर्टी भी नया होगा, तो उसी को कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सबस्टांसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हिंदी में बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, क्लियर है। अब रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या जानना है, देखिए अगर देखने में परेशानी हो रहा होगा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है
तो नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ऐसे हम जूम थोड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो साफ दिखेगा। चलिए पहले हिंदी वाला समझ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है यानी भाग लेता है, उसको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक याद रखिएगा, इंग्लिश में रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट्स अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक क्या है, तो ऐसा पदार्थ, कोई पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिक्रिया समझ में आए, दो या दो से अधिक चीज मिल के नया चीज बन रहा है। तो जो दो चीज मिल रहा है, भाग कौन ले रहा है, जो चीज़ से मिलने से कोई नया चीज़ बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो H2O बनता है, जल बनता है H2O, और इसको संतुलित करना है तो संतुलित बाद में देखेंगे। अभी खाली समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा। तो किसको किसको मिलाने से, यानी भाग कौन ले रहा है इसमें, इसमें हिस्सा कौन ले रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हिस्सा ले रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया इस अभिक्रिया में अभिकारक, ठीक है। तो रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, इसमें बोलेगा अभिकारक को पहचानिए, तो अभिकारक जो लेफ्ट साइड रहेगा इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दिख रहा है ये अभिकारक है, और उधर H2O जो बन रहा है, जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या उत्पाद, प्रोडक्ट है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, निर्माण जिसका होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये छोटा छोटा दो डिफिनेशन, तीन डिफिनेशन यहाँ पर हुआ। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जिसमें नए गुणों वाला पदार्थ का निर्माण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, उसको अभिकारक कहेंगे, और जो चीज़ बन रहा है उसको उत्पाद कहेंगे, ठीक है। वही इंग्लिश में देखें तो जो भाग ले रहा है उसको रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। द सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन भाग ले रहा है उसको रिएक्टेंट कहेंगे, और द सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, यानी जो बन रहा है, फॉर्म बन रहा है, द सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जो पदार्थ बन रहा है उसको प्रोडक्ट कहेंगे, हिंदी में उत्पाद कहेंगे, और जो भाग ले रहा है उसको अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट्स। दोनों भाषा जरूरी है, इंग्लिश साइंस को इंग्लिश में समझना, इसलिए दोनों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि भले ही आप अभी जैक बोर्ड से होंगे या कोई अदर स्टेट बोर्ड से होंगे, यानी हिंदी माध्यम से होंगे, लेकिन आगे चल के अगर आपको साइंस पढ़ना है तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए। और साइंस है ही इंग्लिश में, ज़्यादा बेटर समझ में आता है ना, तो इसलिए इंग्लिश अभी से जानिए। तो फिर 11-12 में अगर साइंस ले लीजिएगा तो फिर वहाँ अचानक इंग्लिश आएगा तो लगेगा कि कभी ज़िंदगी में साइंस पढ़वे नहीं किए हैं, है ना, ऐसा ऐसा वर्ड आएगा। तो इसीलिए अभी से दोनों देखते चलिए, हिंदी भी, हिंदी अपना भाषा है तो हिंदी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि खाली अंग्रेजी जान रहे हैं, हिंदी में कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वैसा पढ़ना भी बेकार है, हैं, दोनों भाषा को समझिए। तो समझ में आ गया तीन चीज़, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे भोजन का पचना है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जो खाते हैं वो पच गया तो वो वापस नहीं आ सकता फिर, है। श्वसन, रेस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में कहेंगे, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का फीता को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब जल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, वो राख बन गया, वो राख को फिर कहेंगे फीता बने तो नहीं बन सकता है, ठीक है। दही का बनना, दूध से दही बन गया, फिर से वो दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया उदाहरण इसका, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। परीक्षण मतलब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व उसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया में, या केमिकल रिएक्शन जिसको कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परीक्षण उसका क्या है, उसका उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या स्थिति होता है उसका, उसको समझेंगे। तो पहला, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उसका अवस्था बदल सकता है। अवस्था जानते होंगे, ठोस, द्रव,
गैस, ये तीन अवस्था है। बाकी और भी अवस्था है, प्लाज्मा है ये सब, लेकिन अभी मान चलिए तीन अवस्था अभी समझने के लिए। तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्था है। तो अवस्था बदल सकता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसमें अवस्था बदल सकता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, गैस अवस्था में है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन करता है तो बनता है H2O, जल। जल क्या, कौन सा अवस्था हो गया, द्रव अवस्था। तो गैस से द्रव बन गया, मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवस्था परिवर्तन होता है और सब में अवस्था परिवर्तन होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन अवस्था परिवर्तन हो सकता है ना। चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में परिवर्तन होता है केमिकल रिएक्शन। दूसरा, रंग परिवर्तन हो सकता है, कलर बदल सकता है, हैं? इधर जो अभिकारक लिए, रिएक्टेंट लिए, वो कोई दूसरा कलर का होगा और जो पदार्थ बना वो उसका कलर कुछ और होगा। तो कलर चेंज हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। तापमान परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर, है ना, जब पदार्थ को लिए बनाने के लिए कोई चीज़, तो वो कम तापमान है, आगे जल के वो बनने के बाद ज़्यादा तापमान हो गया है, या ज़्यादा था कम हो गया, तो तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर में चेंजेज होगा। सारा एग्जांपल आगे देखते चलेंगे, बस अभी क्या क्या हो सकता है उसको समझिए, ठीक है। गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, दो चीज़ को मिलाए तो कोई तीसरा चीज़, नया चीज़ बना, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बहुत में निकलेगा, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। तो गैस का उत्सर्जन भी, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी इसको दिखाते कैसे, रासायनिक परिवर्तन को कैसे दिखाते हैं। देखिए कैसे दिखाते हैं, पहले हिंदी वाला समझ लेते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शब्द समीकरण दिया हुआ, ये है शब्द समीकरण। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बन रहा है, इससे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्शन कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये जो बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, और जो भाग लिया जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल उसको अभिकारक कहते हैं, इधर रिएक्टेंट और जो बना वो उत्पाद, ठीक है। तो ये शब्द वाला समीकरण हुआ, कैसा समीकरण, शब्द समीकरण। अब इसी को अगर कहेंगे कि रासायनिक समीकरण में लिखो, तो सूत्र या संकेत में जब लिखते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, फॉर्मूला में। जैसे जिंक, जिंक का फॉर्मूला ZN होता है, देखिए यहाँ पे ZN लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह में H2SO4 लिखे, तो क्या बना, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, देखिए गैस निकल रहा है तो हाइड्रोजन H2 होता है। तो ये क्या हो गया, ये हिंदी में लिखा हुआ है उसको शब्द समीकरण कहेंगे, और ये रासायनिक समीकरण हुआ जो सूत्र में लिखे, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को दिखाते हैं, आवश्यक में कैसे दिखाते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो हिंदी में तो नहीं करेंगे, हिंदी में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सुविधा के लिए क्या करते हैं, ऐसा इंग्लिश में इसको सूत्र में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे भी इधर इंग्लिश में भी वही बात को लिखा हुआ है ना, जैसे वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इंग्लिश में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे ZnSO4 और ZnSO4 बना और H2 बना, ठीक है। तो ये समीकरण को, रासायनिक समीकरण को दिखाने का ये तरीका है, इस तरह से इसको लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको दिख रहा है रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है उसको समझते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी तक समझे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहा है, तो वही को अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक समीकरण भी वही चीज़ है, जब अभिक्रिया को, जैसे अभी एक एग्जाम्पल देखे थे जहाँ हिंदी में लिखा हुआ था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसा, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसा हिंदी से लिखा हुआ है, हिंदी से कहेंगे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्शन कराने से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो इतना लंबा कहेंगे तो उसको कहेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं। और वही रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम शॉर्ट में लिख दिए, जैसे एक शॉर्ट में लिखा हुआ था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2,
तो इस तरह से शॉर्ट में यानी फॉर्मूला में सूत्र में लिख देते हैं। तो यही सूत्र में जो लिख दिए रासायनिक अभिक्रिया को यानी केमिकल रिएक्शन को सूत्र में लिख दिए तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और कुछ नहीं, अलग चीज़ नहीं है, चीज़वा वही है, बस उसमें हिंदी से बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल का निर्माण होता है, इतना लंबा बोलेंगे, उसी को शॉर्ट में लिख देंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन डैश लगा के H2O यानी पानी, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। और हिंदी में बोलेंगे जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, तो वो हो जाएगा अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया को ही जब हम शॉर्ट में लिखते हैं सूत्र या संकेत के माध्यम से तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन अगर जरूरत पड़े तो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है यानी लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। तो तत्व या यौगिक जो भी है उसका सूत्र लिखा जाता है और उसका भौतिक अवस्था के साथ, अवस्था में क्या क्या भौतिक अवस्था हो सकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति हो सकता है ताप दाब भौतिक अवस्था हो सकता है, उसके साथ साथ और परिस्थिति होता है ताप दाब उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, ये सब आदि को तीर के निशान के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे तीर का निशान ऐसा होता है, इधर कोई पदार्थ है ए बी बन रहा है, बी सी कुछ बन रहा है इधर है, तो यहाँ पर अगर कोई तापमान लेंगे स्पेशल तब बनेगा, तो तापमान को यहाँ दिखाते हैं, जैसे 373 केल्विन में अगर बनेगा तो 373 केल्विन तीर के निशान के ऊपर, अगर प्रेशर देंगे तब बनेगा, तो जैसे 2 एटमोस्फेयर प्रेशर तो 2 ATM ऐसा तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। और उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को थोड़ा तेज करता है, तो रिएक्शन को तेज करने वाला कैटलिस्ट लगाएंगे तब ये रिएक्शन हो रहा है, तो कैटलिस्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे तीर के निशान के ऊपर। ठीक है, बाकी अवस्था लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखे तो अवस्था ब्रैकेट में लिख देंगे, ऑक्सीजन कैसे गैस अवस्था है तो जी लिख देंगे, H2 भी हाइड्रोजन गैस है तो जी लिख देंगे, और जो बना वो H2O पानी जल है लिक्विड तो L ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब जो सूत्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो इंग्लिश में अगर इसका डिफिनेशन देखें तो क्या होगा, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट है अभिकारक जो भाग ले रहा है और जो उधर बन रहा है सबका क्या चीज लगाते हैं, एलिमेंट का नाम या केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, हिंदी ना लिख करके या इंग्लिश ना लिख कर। ठीक है, विच मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के साथ सॉलिड है लिक्विड है गैस है उसके साथ लिखते हैं फॉर्मूला को। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर, मतलब अगर नेसेसरी है टेम्परेचर प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एरो जो है उसके ऊपर में लिखा जाता है, है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम को हवा वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, उसी को शॉर्ट में लिख देंगे तो Mg+O2 MgO बन गया, रासायनिक समीकरण बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन याद रखिएगा इसका, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जरूरत पड़े तो उसको ये उतार सकते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी जैसे मर्जी आप, या वीडियो रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन ऐसा भी सिंपल वाला लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण अगर रहे तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के माध्यम से दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के माध्यम से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब संतुलित देख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्या होता है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9 क्लास में पढ़े हैं, 9 क्लास में बताए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें पढ़े थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें किसी भी द्रव्यमान को ना हम निर्माण कर सकते हैं ना उसको विनाश कर सकते हैं यानी कि नष्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अनुसार क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन,
कोई भी पदार्थ है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं यानी निर्माण कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा, चलिए आगे देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले वाला का अभिकारक कहते हैं यानी प्रोडक्ट, और उसके पश्चात यानी उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इधर जो भाग लिया, इधर जैसे ये Fe और H2O ये भाग लिया, उधर Fe2O3H2 ये बना, तो दोनों तरफ जो है द्रव्यमान दोनों का बराबर होना चाहिए, परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। वही रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, हैं, और संतुलित नहीं है तो उसको कंकाली समीकरण कहते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी दोनों साइड सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल वही पानी वाला है। जैसे H2 और O2 मिलता है तो बन जाता है H2O, ये तो ठीक है, समीकरण लिख दिए। लेकिन देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, समीकरण लिख दिए, लेकिन हम नियम क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, यानी हम ना निर्माण कर सकते हैं मैटर को, पदार्थ को, ना ही उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको विनाश कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन में। इस रिएक्शन में देखिए हम क्या किए हैं, H दो को लिए थे, देखिए H का परमाणु दो है, हाइड्रोजन का परमाणु इधर देखिए लेफ्ट साइड में दो गो है, उधर जब बना है पानी तो उसमें भी हाइड्रोजन का परमाणु दो गो है, सही है। तो हाइड्रोजन दो दो गो है दोनों तरफ, सही दिख रहा है, यानी दो गो परमाणु इधर भी दो गो उधर भी, यानी कि हाइड्रोजन का ना हम निर्माण किए ना विनाश किए, सही है, जितना लिए थे उतना ही उधर दिए, उतना ही उधर बनाए हैं। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए O2 लिखा हुआ, O2 मतलब क्या होता है, इसमें दो गो परमाणु है, ऑक्सीजन का कई गो परमाणु है, दो गो परमाणु है, लेकिन जब उत्पाद बना है तो उधर देखिए राइट हैंड साइड RHS साइड इधर तो O खाली लिखा हुआ, O मतलब एक ही O है, ऑक्सीजन एक है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन दो गो लिए, उत्पाद में हाइड्रोजन दो बना प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन दो लिए, उत्पाद में जो उत्पाद बना प्रोडक्ट बना उसमें एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का दो गो परमाणु हम लिए और एक गो को डिस्ट्रॉय कर दिए, विनाश कर दिए, जो कि हमारे अंदर इतना पावर नहीं कि हम विनाश करें या निर्माण करें, भगवान ने बन जाएगा नहीं तो फिर हैं, दो गो ऑक्सीजन लेके और एक ठो को विनाश कर दिए या एक्स्ट्रा बना दिए तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इंसान नहीं रहेंगे भगवान बन जाएंगे। तो इंसान के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि कोई पदार्थ को नष्ट करे या निर्माण करे। तो इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार हम जान रहे हैं कि ना हम विनाश कर सकते हैं ना निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑक्सीजन दो को लेके वो एक ऑक्सीजन उधर किए, मतलब विनाश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को संतुलित कर देते हैं ताकि विनाश ना हो। तो कैसे संतुलित करते हैं, तो ऑक्सीजन इधर दो था उधर एक ही को है तो वहाँ पर दो लगा देंगे, यहाँ टू लगा देंगे। तो टू जैसे H2O ऐसा है तो ऐसा नहीं कि टू नीचे लगा दे तो H2O2 कुछ दूसरा चीज़ हो जाएगा। जब भी अलग से 2-3 लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, तो वो 2-3 इधर शुरू में लगता है, 2-3-4-5 जो भी लगाना है शुरू में लगाएंगे, बीच में नहीं लगा सकते ऐसा, जैसे H और O के बीच नहीं लगा सकते या नीचे नहीं लगा सकते, ठीक है। खैर इसको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का स्पेशल बोर्ड में भी बता देंगे, बस अभी चैप्टर में क्या क्या है उसको समझ लेंगे पूरा, उसके बाद इसका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है तो उसको बोर्ड में बढ़िया से और अच्छे से समझाएंगे, बस अभी हल्का फुल्का समझिए, क्वेश्चन बहुत सारा इसका उठा करके और पूरा डिटेल समझाएंगे, ठीक है, कैसे सोल्व करना है उसको सिखाएंगे। अभी बस क्या होता है रासायनिक अभी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्या कर क्यों करते हैं कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए खाली, ठीक है। तो ऑक्सीजन दो गो था तो उधर देखिए ओ दो गो दो लगा दिए, देखिए यहाँ पे इधर उधर राइट साइड दो लगा दिए, टू लगा दिए, H2O से पहले टू लगा दिए। अब फिर से ध्यान देना है, फिर से क्या देखना है, अगर ये टू लगा दिए तो ऑक्सीजन तो दो गो हो गया, इधर भी दो गो ऑक्सीजन लिए थे लेफ्ट साइड, राइट साइड भी दो गो ऑक्सीजन बन गया, सही है। लेकिन अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन पहले से दो गो था, दो नीचे H2 लिखा हुआ है तो दो गो था और दो लगा दिए बाहर में तो गुना हो जाता है, दो दूनी चार गो हाइड्रोजन हो गया राइट साइड, उधर RHS साइड उत्पाद के तरफ चार गो हाइड्रोजन हो गया और हम लिए हैं यहाँ कैट हो देखिए दो एक गो हाइड्रोजन लिए हैं, मैंने दो गो हाइड्रोजन लिए और उधर चार गो बना दिए, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का हम निर्माण कर दिए। और नियम बार बार पढ़ रहे हैं कि ना हम निर्माण कर सकते ना विनाश कर सकते, एक बार विनाश कर दिए थे तो उसको सुधारे तो अब देख रहे हैं कि हम निर्माण कर दिए,
तो कॉपी में तो ऐसे लिख दिए, पेन से लिख दिए, वो निर्माण दिख रहा है, लेकिन क्या ओरिजिनल में हम हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसको दर्शाना होगा कि नहीं हम निर्माण नहीं कर सकते, तो कैसे संतुलित करें फिर? तो यहाँ पे टू लगा, इधर भी टू लगा देंगे, इधर टू लगा दीजिए, क्या उधर चार हो रहा था, इधर भी चार कर दीजिए, तो दो दुनी चार को इधर भी हाइड्रोजन हो गया, उधर भी दो दुनी चार को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर दो गो, उधर भी दो गो। तो इस तरह से बराबर सभी तत्वों का परमाणु को बराबर कर देते हैं, इसी को बोलते हैं बायलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और क्यों बायलेंस करते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कोई भी पदार्थ को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भगवान ने कर सकता है, हम लोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, और एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन में जब आएंगे तो उस समय रिएक्शन को, ये इक्वेशन को संतुलित करने का बढ़िया से सिखाएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, और एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, जैसे ठोस को एस से लिखते हैं, द्रव को एल से, गैस को जी से, और जल विलयन रहेगा तो एक क्यू लिखते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट रहेगा, कोई सॉलिड चीज़ है तो उसको एस ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा, मतलब समझना है सॉलिड, और एल लिखा हुआ रहे तो लिक्विड, समझना है कि लिक्विड स्टेट में वो है, जी लिखा हुआ है तो गैस स्टेट में, और एक्वस स्टेट में एक क्यू लिखा हुआ रहेगा, या ना सॉलिड पूरा रहेगा ना पूरा लिक्विड, तो एक्वस लिबिर लिबिर वाला है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे Fe लिखा हुआ है, फेरस आयरन, ब्रैकेट में S लिखा हुआ, मैंने आयरन लोहा है तो लोहा सॉलिड अवस्था में रहता है, ठोस, इसलिए S लिखा हुआ है। H2O उसके बाद लिया, H2O का है पानी है, जल, H2O गैस लिख दिया यहाँ, H2O जल है बाबू, L रहेगा यहाँ, है ना, लिक्विड। उसके बाद Fe2O3 ये सॉलिड, जंग है, जंग का फॉर्मूला है, जंग चीती लगता है लोहा में, वो वाला फेरस ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, और H2 गैस है तो जी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तीन चार जो लगा हुआ है, पहले जो दिख रहा है तीन चार लगा हुआ, ये क्या है, संतुलित किया हुआ, जैसे Fe3 किया हुआ है, यहाँ चार लिखा हुआ है, इधर चार किया हुआ है, तो ये संतुलित किया हुआ है। तो कैसे संतुलित करते हैं विस्तार से समझेंगे, अभी संतुलित में अगर खाली लग जाएंगे तो फिर एक घंटा संतुलित में लग जाए, इसलिए संतुलित का बहुत सारा 20-25 वो क्वेश्चन लेकर के बढ़िया समझाएंगे, क्वेश्चन करेंगे उस समय। ठीक है, अभी चैप्टर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अगर ना दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ाइएगा, है ना, क्योंकि छोटा छोटा थोड़ा वर्ड लग रहा है, ऐसे तो कमेंट करिएगा, अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा होगा तो अबर से थोड़ा जूम कर करके पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर भी जूम कर ही दे रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, केमिकल रिएक्शन जो है उसका प्रकार बहुत प्रकार का होता है, उसमें से कुछ कुछ प्रकार अभी जानना है। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ देख लीजिए, संयोजन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन नाम से कुछ पता चल रहा है, संयोजन, संयोजन माने जुटना होता है, संयोजन माने क्या, जुटना। कॉम्बिनेशन ऐसे भी आप बोलचाल का भाषा में सुने होंगे, कंबाइन कर लो, कंबाइन करना, कंबाइन माने जोड़ना, दो को एक कर देना। तो नाम से क्या पता चल रहा है, नाम को ध्यान से रखिएगा तो अलग से रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए बढ़िया समझाते चलेंगे नाम से, है ना। संयोग हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, यानी दो गो चीज अलग अलग होगा तभी तो जुटेगा, जोड़ने का बात हो रहा है यहाँ पे, तो दो गो अलग होगा तभी ना जुटेगा, पहले से जुटल रहेगा तो उसको थोड़ी कहेंगे कि जोड़ो ना, कोई चीज़ टूटा हुआ उसको ना कहेंगे कि हाँ ये दो गो है अलग अलग बबू एक जोड़ दो। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है ये संयोजन अभिक्रिया, मतलब कि दो गो पदार्थ कुछ अलग अलग होगा, दो अलग अलग पदार्थ होगा, वो जब आपस में जुट जाए तो ऐसा प्रक्रिया, ऐसा अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग पदार्थ वो दोनों आपस में मिल जाए, है ना, और मिल के एक बन जाए तो उसको बोल देंगे रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, यानी दो रहे या दो से बेसी रहे, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ है, अभिकारक है, पदार्थ जो भाग ले रहा है उसको तो अभिकारक कहेंगे, इधर वाला को रिएक्टेंट, है ना, तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है आपस में मिल करके कंबाइन होकर के और एक नया चीज़ बना रहा है, एक चीज़ है ना, दो या दो से अधिक चीज़ मिल के एक वो नया चीज़ बना रहा है, तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सॉरी A+B मिल करके C कोई चीज़ बन गया। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाया।
उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण में कोयले का दहन, कोयला को जलाते हैं, कोयला, तो कोयला कार्बन सी हो गया, कार्बन उसका फॉर्मूला, और एस ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सोलिड ठोस है कार्बन है, और जलाते हैं तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहाँ पर भी जलने का बात होगा तो वहाँ ऑक्सीजन जरूरी है, बिना ऑक्सीजन का हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कार्बन रिएक्शन किससे कर रहा, ऑक्सीजन से, ओ2 से, तो कार्बन ने रिएक्शन किया ओ2 से तो बन जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन अलग था, ओ2 अलग था, दो को पदार्थ था, दोनों मिल गया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, एगो बन गया, तो कौन सा अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। दो अलग अलग पदार्थ था, कार्बन ऑक्सीजन अलग, दोनों मिलके CO2 बन गया, माने एगो बन गया, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसी तरह जल का निर्माण में बार बार देख रहे हैं, तभी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते थे, दो बनता है पानी H2O, तो एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन अलग अलग था, दोनों अलग अलग तत्व, दोनों मिलके का बन गया, पानी जल बन गया, एक पदार्थ बन गया, अलग अलग दो को पदार्थ लिए और दोनों को मिला के एक नया पदार्थ बनाया, तो दो को पदार्थ जुट रहा है, जहाँ जुटने का बात हो संयोजन अभिक्रिया लगा देंगे वहाँ, ठीक है। इसी तरह बुझा हुआ चूना, देखिए CaO बिना बुझा हुआ चूना, यानी दुकान से जो लाते हैं वो वाला चूना बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और उसको डबकाते हैं पानी में, H2O पानी में डाल देते हैं, तो उसमें बुझा हुआ चूना बन जाता है का CaOH का होल टू, तो चूना अलग था पानी अलग था, दोनों मिल जाता है, चूना और पानी दोनों मिल के एक बन जाता है, देखे ना चूना देखे होंगे उबालते हुए, तो चूना और पानी, चूना में पानी मिला देते वो खौलने लगता है, उबलने लगता है, और उसके बाद फिर पानी पता नहीं कहाँ चल जाता है, चूना के अंदर ही घुस जाता है, मतलब एक हो जाता है, पानी और चूना दोनों मिल के एक हो जाता है, तो उस चूना को बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो कि काम में आता है खैनी खाने का और घर लिपने का, है ना। तो ये दो को जुट गया तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। याद रहेगा अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जो आपस में दो को पदार्थ जुट रहा है, जब दो आपस में जुट रहा है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। चलिए अंग्रेजी में भी इसको समझ लेते हैं, हाँ अंग्रेजी में भी वही बात हुआ, समझ से आगे बस इंग्लिश में डिफिनेशन अगर क्या लिखना चाहिए क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलता है, कंबाइन मतलब क्या होता है, मिलता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल वही सब है, कार्बन बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयला का जलना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी पानी का बनना, और चूना वाला, ठीक है। क्विक लाइम, क्विक लाइम मतलब पहले वाला चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और स्लेक्ट लाइम माने बुझा हुआ चूना, तो ये दोनों कोई दिक्कत नहीं भाषा में। उसके बाद इसी में एक और अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें उत्पाद तो बन रहा है, उत्पाद यानी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है, यानी कोई पदार्थ को मिला है, उससे कोई नया पदार्थ बना, और उस नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा, हीट यानी गर्मी भी निकल रहा है, ऊष्मा भी निकल रहा है, तापमान, ऊष्मा, ऊर्जा, ऊर्जा ऊष्मा ये सब एक ही चीज़ है ना, तो ऊष्मा निकल रहा है या ऊर्जा निकल रहा है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस को दहन करते हैं, नेचुरल गैस को, जैसे CH4 मीथेन गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, जलने के बाद जहाँ हुए वहाँ ऑक्सीजन लगेगा, तो उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, और उसके साथ साथ ऊष्मा निकलता है, उसी ऊष्मा से फिर खाना उना बनता है। तो जहां पे कोई उत्पाद यानी कोई प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा हो, ऊर्जा भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। जैसे श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन करेंगे उस समय, इसको देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्यों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम सब में पूछता है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन पढ़े होंगे बायोलॉजी में, 9 क्लास में भी पढ़ाए हैं कोशिका चैप्टर सब में, कि श्वसन, हम जो सांस लेते हैं वो सांस हवा में जाता है अंदर फेफड़ा में, फेफड़ा से ऑक्सीजन का पूरा शरीर में जाता है, पूरा शरीर के कोशिका में जाता है, कोशिका के कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कंप्लीट हुआ, तो श्वसन कंप्लीट होता है तो क्या बनता है, श्वसन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, श्वसन जब कंप्लीट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड फिर लेकर के फेफड़ा को देता है, फेफड़ा से हम बाहर निकाल देते हैं,
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ साथ जल भी बनता है, उस जल के साथ साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा भी बनता है। तो वही ऊर्जा से ना हम सब ताकत मिलता है, हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं, हैं। तो कहाँ से वो ऊर्जा मिल रहा है? श्वसन से। भोजन से भी मिलता है, लेकिन श्वसन को ऊष्मा क्षेप इसलिए कहेंगे क्योंकि खाली भात खाएंगे और सांसें नहीं लेंगे तो जिंदा रहबे नहीं करेंगे, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, मर जाइएगा। तो भोजन जो करते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तब हमको ऊर्जा मिलता है ना। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ ऊर्जा भी देता है, तो इसमें ऊर्जा निकल रहा है। तो जहाँ भी ऊर्जा निकलेगा उसको तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। तो श्वसन में भी ऊर्जा निकलता है, इसीलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला आज देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का जस्ट उल्टा, वियोजन अभिक्रिया, इसको डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन मतलब जुटना, डीकम्पोज होना, डीकम्पोज यानी टूटना है, वियोजन यानी टूटना, वियोजन का विघटन अभिक्रिया, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, ठीक है, अपघटन, अपघटन मतलब टूटना है। तो वियोजन टूटना, अपघटन भी टूटना, या डिकम्पोजिशन मतलब भी टूटना। तो तभी जुटने का बात हो रहा था, उस संयोजन अभिक्रिया में क्या बात हो रहा था, जुटने का, अब टूटने का बात हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे तोड़ने का बात हो, जहाँ टूटता हुआ नजर आवे तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, और जुटता हुआ नजर आवे तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो एक अभिकारक, एक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, एक वो है वो टूट करके दो या दो से अधिक बन गया तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे अच्छा, वियोजन तीन प्रकार का होता है, एक होता है ऊष्मीय वियोजन यानी जिसमें ऊष्मा लगे, कोई भी तोड़ने हैं, कोई भी चीज़ को तोड़ना है तो उसके लिए ऊर्जा लगेगा, चाहे वो ऊर्जा हीट ऊर्जा हो या विद्युत ऊर्जा हो यानी इलेक्ट्रिक वाला ऊर्जा हो या प्रकाश ऊर्जा हो, लाइट ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, लेकिन उसमें ऊर्जा लगेगा ही, तभी तोड़ पाएंगे किसी को। तो एक होता है ऊष्मा जिसमें लगेगा उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन यानी कोई चीज़ है, कोई पदार्थ, उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा लग रहा है, तो उसमें वियोजन क्या हो, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन यानी ऊष्मा द्वारा टूट रहा है, ठीक है। और डिफिनेशन में याद रखिए, एक है पदार्थ वो टूट के दो बन रहा है, देखिए ए है, ए से बी और सी बन गया, ठीक है। जैसे Fe SO4 ये फेरस सल्फेट है, इसको ऊष्मा देंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये Fe O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन में टूट जाता है, तीन पदार्थ। उसी तरह चूना पत्थर, चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो CaO बनता है, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, दो गो में ही टूटा। तो जहाँ टूट रहा है उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, जहाँ जुट रहा है उसको संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लाइटेड इंटू टू और मोर सिंपल सबस्टांसेस, स्प्लाइट हो रहा है यानी टूट रहा है दो या दो से अधिक सबस्टांसेस में, उसी को कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसमें वियोजन यानी हीट देने से, तो इसको हीट को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल यानी हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, हीट है ना, तो हीट को साइंस में थर्मल कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, हिंदी में ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा लग रहा है तोड़ने के लिए तो उसको ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट लग रहा है, हीट यानी ऊष्मा दे रहे हैं तो उसी को थर्मल डिकम्पोजिशन इंग्लिश में कहते हैं ना। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीट करके उसको तोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल दोनों तरफ सेम एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेते चलिएगा। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, लंबा तो हो रहा है, चलिए वियोजन का खाली प्रकार को अभी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी को नेक्स्ट एक और पार्ट करेंगे, क्या है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। वियोजन का ही प्रकार देख लेते हैं, एक तो ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन देखे, उसके बाद विद्युत वियोजन होता है, विद्युत यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ेंगे इसको, विद्युत समझ में आता है, इलेक्ट्रिसिटी, करेंट, तो करेंट दे करके कोई चीज़ को तोड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन,
जैसे पानी को ऐसे तोड़ते हैं H2O, H2O का अगर हम H2 और O2 को अलग करना चाहे तो उसके लिए विद्युत धारा देना होगा। इसमें विद्युत देंगे तो H2 अलग होगा, O2 अलग हो जाएगा। तो इस तरह का वियोजन को, इस तरह का टूटना जिसमें विद्युत लग रहा है, तो उसको विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन के यहाँ पर चित्र दिया हुआ है किस तरह से ये काम करता है। जैसे एगो एनोड रड होता है, एगो कैथोड होता है। इसमें बैटरी, देखिए बैटरी सप्लाई दी है, कैथोड एनोड दोनों में स्विच ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मग है प्लास्टिक का, हाइड्रोजन पानी में दो ये रड डूबा हुआ है, तो धीरे धीरे ये गर्म होकर के कहा दो को गैस यहाँ से निकलेगा, एगो हाइड्रोजन गैस और एगो से ऑक्सीजन गैस, है ना, अलग अलग हो जाता है। कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है, एनोड तरफ से ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये मतलब टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, विद्युत से, इसलिए इसको विद्युत वियोजन कहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकाश वियोजन एक होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। प्रकाश को इंग्लिश में फोटो कहते हैं बाबू, हैं फोटो, लाइट भी कहते हैं, लेकिन लाइट तो इंग्लिश वर्ड हुआ, लेकिन साइंस में फोटो कहेंगे, ठीक है। तो साइंस में खास करके फोटो यूज होगा, फोटोलिटिक, फोटोडायड यानी प्रकाश, तो फोटो का जहाँ यूज हो यानी प्रकाश का बात हो रहा है। प्रकाश वियोजन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी प्रकाश से टूटेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज़ टूट रहा है यानी वियोजन हो रहा है, तो उसको प्रकाश वियोजन कहेंगे, यानी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई चीज़ टूट रहा है तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे AgCl, AgCl क्या है, Ag क्या है, चांदी, है ना, AgCl चांदी क्लोराइड है। तो चांदी में क्लोरीन का मतलब परत चढ़ा हुआ है, उसको सूर्य में धूप में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, चांदी अलग और क्लोरीन अलग। उसी तरह AgBr, Ag में इसमें Br लगा हुआ है, Br का परत चढ़ा हुआ है, तो इसको भी धूप में रखेंगे तो Ag अलग Br अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग। तो ये टूट रहा है, टूट के दो हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, टूट रहा है इसलिए डिकम्पोजिशन, और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश का उपयोग हो रहा है इसलिए प्रकाश वियोजन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस प्रकाश वियोजन का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये रहा वियोजन अभिक्रिया, और इसी से वियोजन अभिक्रिया जो है, जितना भी वियोजन अभिक्रिया पढ़े उसको एक और नाम से जानेंगे, उसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फिर आगे, ठीक है। तो जितना भी वियोजन देखें वो सब वियोजन को अगर हम मिला जुला कहें तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। एक ऊष्मा छेपी देखे थे, याद कीजिए, ऊष्मा छेपी में क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक, इंग्लिश में उसको कहे थे ना एक्सोथर्मिक, और ये इंडोथर्मिक है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी में बोले थे कि उत्पाद बन रहा, उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकल रहा, ऊर्जा उसमें निकल रहा था। और इसमें क्या होगा, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा लगता है, अभिक्रिया कराने के लिए ऊर्जा लगता है, ऊर्जा देना पड़ता है हमको, तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी इंडोथर्मिक। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत यानी किसी भी प्रकार का ऊर्जा का जरूरत पड़े, तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी देखे थे वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया में जितना आया, एक आया ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा देना पड़ा था, विद्युत वियोजन विद्युत तोड़े थे विद्युत देना पड़ा था, और प्रकाश वियोजन यानी प्रकाश सन का लाइट से उसको तोड़े थे। तो ऊर्जा लग रहा है किसी भी ना किसी प्रकार का, क्या लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है। तो ये सब को मिला जुला के ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जितना भी वियोजन अभिक्रिया में आता है उसी को ऊष्मा शोषी भी कहेंगे। टूट रहा है इसलिए वियोजन नाम हुआ, और ऊष्मा लग रहा है इसलिए उधर से नाम देखेंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच कैरीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी जो लगाता है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, टू ब्रेक रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट को, अभिकारक को तोड़ने के लिए, उसी को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये अभिक्रिया का कुछ कुछ प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण का कुछ कुछ प्रकार देखें। आगे विस्थापन अभिक्रिया समझेंगे, द्वि विस्थापन समझेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर अपचयन उपचयन देखेंगे, रेडोक्स अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद संक्षारण देखेंगे और विकृत गंधीयता देखेंगे। तो ये सारा चीज़ बच गया, उसको एक और पार्ट में कर देंगे, कहा कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी थोड़ा दिक्कत लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो इसी तरह से पढ़ाएंगे। इसमें क्या है कि आपको नोट्स भी यहाँ पर लिखित दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना, इसलिए
कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा, और थोड़ा सा अगर देखने में परेशानी हो रहा होगा जो लिखा हुआ है वो सही से ना दिख रहा होगा तो उसको भी बताइएगा, तो हम थोड़ा और बेहतर से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे इतना करके देखेंगे, इतना करके रखेंगे तो हो सकता है बढ़िया दिखे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।